आज जो ये मौसम खराब है पंजाब और हरियाणा में, इसकी मेन वजह है कि पश्चिम विक्षोभ अभी बिल्कुल सक्रिय है जम्मू कश्मीर के ऊपर, और इसके चलते पंजाब हरियाणा के कई इलाकों में सुबह से बारिश भी हो रही है। पंजाब का जो नॉर्थ पंजाब है खासकर जिसमें पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, इन इलाकों में तेज बारिश भी है और बाकी इलाकों में मध्यम बारिश हो रही है, और ये बारिश जो है आज कंटिन्यू करेगी 27 तारीख को, 27 मार्च को। इसी तरह से हरियाणा के भी जो इलाके हैं नॉर्थ वेस्ट में, वहाँ थोड़ी सी ज्यादा है बारिश पंजाब बाकी हरियाणा के इलाकों से, लेकिन यहाँ पे मध्यम दर्जे की बारिश होगी। और इस पूरे रेन स्पेल में कुछ इलाकों में खासकर जो नॉर्थ वेस्ट पंजाब है वहां पे तेज आंधी और ओलावृष्टि होने की संभावना भी है। इसी तरह से हरियाणा के भी कुछ इलाकों में, हालांकि बहुत तेज आंधी नहीं चलेगी लेकिन आंधी जरूर चलने की संभावना है, बीच में ओलावृष्टि भी हो सकती है। और ये वाला जो स्पेल है जो आज 27 तारीख को स्पेल है, 27 मार्च का जो स्पेल है, ये जो है आज रात तक कंटिन्यू करेगा और कल से जो है मौसम में सुधार आ जाएगा और उसके बाद जो है कोई विशेष मौसम में परिवर्तन नहीं है। 30-31 के आसपास कुछ हल्का सा पश्चिम विक्षोभ है, वो बादल लाएगा, बारिश की संभावना नहीं है। और उसके बाद जो अप्रैल महीना है उसमें फिर जो है मौसम ठीक रहेगा और तापमान में कुछ बढ़ोतरी होगी। तो ये जो इस स्पेल के बाद जो है तापमान में कमी आ जाएगी, मिनिमम टेम्परेचर कुछ गिरेंगे अगले 24 घंटे बाद और मैक्सिमम टेम्परेचर में भी गिरावट आएगी। और इसके बाद जो है जैसे मैंने कहा कि मौसम ठीक रहेगा, इस माध्यम से मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूंगा, ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी लोग जो है कोरोना क्योंकि काफी सक्रिय है इसके चलते अपना ध्यान रखें और सभी इसका रिस्पॉन्सिबल होके ये जो हमारा लॉकडाउन है इसमें सपोर्ट करें ताकि इस बीमारी से हम लड़ सकें।